ये तय होती शिक्षा मित्रों पर कि करे कोई और भरे कोई, खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है, लाठियां इन्हें खानी पड़ रही हैं और सियासत करने वाले सियासत कर रहे हैं। देखिए शुरुआत यहां से करिए, क्या इस समस्या का समाधान ना निकालने से शिक्षा प्रभावित हो रही है अथवा नहीं? इस प्रदेश में जहां शिक्षा का स्तर पहले से ही गिरा हुआ है, उसमें स्कूलों में बेसिक शिक्षा के स्कूलों में प्राइमरी स्कूल्स में ताले लटक जाएं, तो ये शिक्षक सड़क पर रहें, ये शिक्षा मित्र, पढ़ाई ना हो, नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का, बच्चों के भविष्य का। ये सरकार को तत्काल निर्णय लेना है। सरकार और इसको दिल विलंब ना करे, जो भी निर्णय लेना है सरकार को, जो भी सामने लेना है ये, लेकिन भीख के रूप में ना दे कि हमने 10,000 दे दिया, हमने 20,000 दे दिया। कोई डिक्टेटरशिप थोड़ा ही, आप अपनी मर्जी से तय कर ले, हमने 10,000 दे दिया, क्या पैमाना है 10,000 का? न्यूनतम वेतन है क्या ये शिक्षक का? अगर लेबर एक्ट में शिक्षक को न्यूनतम वेतन कितना बनता है जी, वो देख लीजिए, उस हिसाब से दीजिए। मेरे ख्याल में 30-35,000 से ऊपर जाएगा सह अध्यापक का वेतन। चले बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम चंद्रभूषण पांडे जी से कोई पैमाना बनाना पड़ेगा ना, जरूर लेंगे, खैरात में नहीं दे सकते। ज्ञानेंद्र तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ज्ञानेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो योग्यता का मानक था वो केवल टीईटी था, वो केवल टीईटी था जी। अब जब इस कंडीशन में जब हमारे 35-37,000 कैंडिडेट जो हैं वो टीईटी और सीटेट पास हुए हैं, एक बार नहीं, दो तीन बार। मैं अपनी अगर व्यक्तिगत बात करूं, मैंने 5 बार टेट को क्वालिफाई किया, 4 बार प्राइमरी टेट को क्वालिफाई किया, 1 बार जूनियर टेट को क्वालिफाई किया। ये हमारे वो प्रमाण पत्र हैं जिनको अभी तक योग्यता का पैमाना माना जाता रहा, लेकिन अब जब हमारा नंबर आया तो योग्यता का पैमाना फिर बदल दिया गया और अब ये बोला जा रहा है कि आप एक नई परीक्षा पास कीजिए, उसके बाद आप योग्य होंगे। ये कैसा मानक है सर? और अगर ये यूपी में जो टीचर्स की ये जो लिखित परीक्षा की बात हो रही है, ये पहली परीक्षा है, अगर यही योग्यता का पैमाना है तो क्या इससे पहले के जितने भी टीचर्स हमारे लगे हुए जिनको आप योग्य बोलते थे वो आपके अकॉर्डिंग अयोग्य हो गए? दूसरी चीज, अगर आप परीक्षा की बात करते हैं तो परीक्षा में सर परिस्थितियां समान होनी चाहिए। हमारे 45 से 50 साल के जो कैंडिडेट हैं, जो जिनके सामने पारिवारिक उलझने हैं जी, सर समानता कहाँ है? ना अध्ययन का टाइम है, इधर ड्यूटी का टाइम है, उधर पारिवारिक उलझने हैं। दूसरी चीज, आपने डिमांड भी सुन ली कि वो क्या चाहते हैं ये शिक्षा मित्र, और सरकार की तरफ से समाधान को लेकर क्या प्रयास अब होंगे और कब तक समाधान होगा? कहीं स्वेटर वाला हाल तो नहीं होगा कि सर्दी के बजाय गर्मी में स्वेटर पहनने के लिए बच्चों को दिया जाए? वही स्थिति तो नहीं होगी? एसपी सिंह साहब ने भी सुझाव दे दिया कि आपके पड़ोसी राज्य जहां पर आप ही लोगों की सरकारें हैं, यूपी में क्या दिक्कत है? अच्छा जी, देश की आजादी के बाद से लेकर के 2016 तक स्वेटर नहीं मिले, हमने स्वेटर बांटा है, इसको भी आपको बोलना चाहिए बार बार। आपने वादा किया था, कसते हैं तो सच भी बोलिए। नहीं, इस जब आप तंज कसते हैं तो सच भी बोलिए कि 50 सालों तक इस देश के बच्चे ठुठुरते रहे, हमने जूता दिया, मोजा दिया, स्वेटर दिया और गुणवत्ता युक्त शिक्षक भी देने जा रहे हैं। हम क्वालिटी टीचर्स देना चाह रहे हैं और उन क्वालिटी टीचर्स की भर्ती में शिक्षा मित्रों को पूरे अवसर दे रहे हैं कि वो उनको हम उनको भारांक दे रहे हैं, उनके अनुभव का लाभ दे रहे हैं, उनको एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं और उनको हम इसके साथ ही साथ 2 बार बैठने का मौका दे रहे हैं।